हेलो गाइस, दिस साइड आदित्य बालीवाल। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज ना मैं आप सभी के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर अप करूँगा फॉर रिलेटेड टू बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, राइट? कि क्या स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक मंथ रह गया है, राइट, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। एंड मेन बात क्या है कि जो 12th वाले बच्चे ना, वो भी फर्स्ट टाइम अपना वोट दे रहे हैं ऑफलाइन तरीके से, राइट। एंड 10th वालों का तो फर्स्ट टाइम है ही, तो देखो प्रेशर रहता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, राइट। अगर कोई कहता है कि प्रेशर बिल्कुल नहीं रहता, तो भाई उसने ना किसी टाइप से अपना प्रेशर कंट्रोल किया है, कैसे भी अपना प्रेशर को कम किया है, राइट। तो वो कैसे करते हैं उसकी भी टिप्स दूंगा आगे आपको। बट प्रेशर रहता है, 100% रहता है बोर्ड एग्ज़ाम देते टाइम, राइट। तो आपको प्रेशर अपना कैसे कम करना है एंड कैसे अच्छे स्कोर करने हैं, उसके लिए कुछ टिप्स दूंगा आज आपके लिए, राइट। तो टिप्स नंबर वन, जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, घूमना फिरना बंद कर दो, राइट। अब पार्टीज करने का एंड घूमने का टाइम गया, एक मंथ बचा है। जितना भी टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो ना, वो सारा वेस्ट करना बंद कर दो। अपना इंस्टा, यूट्यूब, सोशल मीडिया कंटेंट सारा बंद कर दो। यूट्यूब भी खोलो ना, तो यूट्यूब पे सिर्फ अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ ही देखो, राइट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सिलेबस देखो, राइट। तो भी टाइम कम बचा है गाइस, और हमें ना अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। फिर अब जब एग्ज़ाम बाद ना, ये पछतावा बहुत होता है बहुत बच्चों की, काश उस टाइम पढ़ लेते, तो ये चीज़ नहीं करनी है। जितना भी टाइम है सारा भी इसे यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो। 1 month बचा है, पहला पॉइंट हो गया कि हमें घूमना फिरना बंद करना है, राइट। सेकंड, जितना भी टाइम है उसको अपने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो, राइट। रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ओके। सारे नोट्स वगैरह हर एक पर्टिकुलर टाइम पे रिवाइज करो। ये नहीं करना कि आज ही 5 सब्जेक्ट है तो 5ों को आज, कुछ टाइम दो, सबको बराबर टाइम देना है, राइट। इस टाइप से कंसिस्ट करो, 2 घंटे मैथ्स, उसके बाद ब्रेक थोड़ा आधा घंटे का, फिर 2 घंटे इंग्लिश, फिर ब्रेक, फिर साइंस। इस टाइप से कंसिस्टेंस अपने बनाए, कंसिस्टेंसी बनाए रखो फुली मंथ तक। एक भी दिन अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है उनको, राइट, क्योंकि एक ही मंथ बचा है। एंड अब उन बच्चों के लिए जो अभी तक बोल रहे हैं ना कि अभी तक कुछ किया ही नहीं है, कुछ कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन ये बात उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने कंप्लीट कर लिया और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। अब क्या करना है, राइट। तो अब आप लोगों को क्या करना है, मार्केट्स में ना बहुत ही अच्छी अच्छी पब्लिकेशंस की सैम्पल पेपर्स की बुक्स आ गई हैं। एंड CBSE ने तो अपना एक सैम्पल पेपर, एक एक सारे सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। जिसने अभी तक उसे देखा तक नहीं है, भाई देख लो, उसको लगा लो अच्छे से, कॉपी में लगा होना चाहिए एक सैम्पल पेपर जो भी CBSE ने भेजा है, रिलीज़ किया है, राइट। एंड मार्केट में जाओ, पब्लिकेशंस, कोई सा भी पब्लिकेशन का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, राइट, जो तुम्हें अच्छी लगे वो लो। एंड देखो कंटेंट कैसा है उसे देखो, उससे ना तुम्हारे 2 से 3 4 चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी। इससे पहला तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम देने टाइम 100% होता है वो बहुत ही कम हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। जिस बंदे ना हर एक सब्जेक्ट के 5 से 6 सैंपल पेपर लगा के जाएगा, वो उसके ना बोर्ड में उसका डर इजीली ख़त्म हो जाएगा। उसे ऐसा लगेगा ना जैसे इजीली घर पर एक सैंपल पेपर लगा रहे हैं, ओके। तो आपको सैंपल पेपर की कोई से भी पब्लिकेशन की बुक लाओ, उनको लगाना स्टार्ट करो। रिवीजन अपने नोट्स से, कोचिंग नोट्स, स्कूल नोट, कोई से भी है, सारे को सबको रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ओके। इस मंथ ना एक भी दिन अपना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना, एक भी घंटा यानी रील्स देखने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना भाई। जितना भी टाइम लगाना है अपनी सारी स्टडीज़ पर फोकस रखना है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सैम्पल पेपर्स लाओ, उनकी प्रैक्टिस करो। जैसे कि मान लो सुबह रिवीजन किया 2 घंटे सोशल का, एंड 2 घंटे मैथ का रिवीजन किया,
ब्रेक लिया 10 मिनट का, उसके बाद एक सैम्पल पेपर लगाया। अब बात करते हैं सैम्पल पेपर कैसे लगाना है, सबसे मेन क्वेश्चन। कुछ लोगों को ना सैम्पल पेपर लगाते कैसे बहुत ही गलत तरीके से लगाते हैं, राइट। तो सैम्पल पेपर कैसे लगाना है, अपन को कोई भी पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर ओपन करना है, चीटिंग नहीं करनी है। सबसे पहली बात, चीटिंग नहीं करनी है सैम्पल पेपर लगाते टाइम कि आंसर देख लें उसके बाद। नहीं, आंसर नहीं देखना, अब भी आंसर नहीं देखना। पहले उस सैम्पल पेपर को लगाओ कि आपको कितना आता है, उससे पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो अभी, राइट। उस सैम्पल पेपर को लगाओ पूरा शुरू से एंड तक, लेकिन एक चीज़ माइंड में याद रखना, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। जो भी आता है जैसे भी आता है लिखो उसमें, राइट। उससे क्या होगा, आप टाइम पर अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना सीखोगे, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, नहीं आता है जो भी आता है वो भी वो लिख दो, बना के लिख दो, कुछ भी लिख दो सैम्पल पेपर करते टाइम, राइट। इस पे स्पीड आएगी, एक्यूरेसी आएगी, इन टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि सेक्शन को कितना टाइम देना है, ओके। सैम्पल पेपर से लगाना स्टार्ट कर दो, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है आप सबको। एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ, जिस बच्चे ने ना अभी तक कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, 1 महीना बचा है भाई, तू जाके सैम्पल पेपर के लेकर आ, वो लगाना स्टार्ट कर, डेली लगा, रिवीजन कर। एंड अब ना, अब प्लीज़ ये गलती मत करना कि अब ना कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा डीप जाके पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं कि एक चैप्टर खुला अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे मतलब एक ही चैप्टर से सारा पेपर है। भाई ऐसा बिल्कुल मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। अब डीप पढ़ने की कोशिश मत करो, अब सिर्फ सैम्पल पेपर्स लो, फॉर्मेट देखो किस टाइप का पेपर आ रहा है अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, राइट। तो अब उस फॉर्मेट के लेवल से अपनी लेवल अपना लेवल चेक करो एंड देखो कि अभी तुम कितना, तुम्हारा कम लेवल है एंड तुम इस लेवल से देख कर कितनी लेवल अपना ग्रो अप कर सकते हो। 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, तुम कर सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम टॉप कर जाओगे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैं बता दूंगा, जो टॉपर्स होते हैं राइट, वो 2 से 3 महीने पहले से ही अपने सारे सैम्पल पेपर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये मेन बात है, ये ना किसी को पता नहीं रहता, उनका कोर्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं वो एंड वो 2-3 महीने पहले से साथ में ही अपने सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट करते चले आते हैं, राइट गई। लेकिन अभी आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, नहीं लगाया है अभी तक, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी अपने आप को सैम्पल पेपर पर बहुत जोर देना है। सैम्पल पेपर कैसे लगाना है मैंने बता दिया है कि एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, राइट। अलार्म लगा लो फ़ोन में या वॉच में, टाइम देख लो, 3 घंटे स्टेबिलिटी टेबल चेयर पर बैठ के लिखना है, एक बॉटल रख लो, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ भी नहीं करना है। एक सैम्पल पेपर लगाया पहले तो उस रिवीजन कर लिया अपना 2 घंटे, फिर एक सैम्पल पेपर, ओके। फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, अपने हिसाब से सुइटेबल रखना, लेकिन अपना कोई भी टाइम बिल्कुल कहीं पर भी वेस्ट मत करना गाइस, ओके। एंड फिर अगला सैम्पल पेपर, मैं गारंटी देता हूँ अगर हर बंदे ने, हर एक जिस जो कह रहा है ना कि अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मुझे कुछ नहीं आता एंड कैसे पास हो, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सब्जेक्ट के तू 5 से 6 सैम्पल पेपर लगा के चला जा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा के चला जाएगा उतने अच्छे से अच्छा तू मार्क्स गेन करेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि तू टॉप करेगा, तू आज जिस लेवल पे, एक सैम्पल पेपर लगाने से तुझे पता चल जाएगा तू आज किस लेवल पे, लेकिन उससे तू बेटर कर सकता है अगर तू प्रैक्टिस बनाए रखेगा। एंड 1 महीने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग ना टाइम वेस्ट कर देते हैं बेफालतू की चीज़ों में, कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना। और ज़्यादा डीपली नहीं घुसना आप स्टडी में कि एक ही चैप्टर में सारा टाइम लगा दिया, नहीं आ रहा छोड़ो नेक्स्ट देखो भाई, एक ही चैप्टर से तो ना सारा एग्ज़ाम नहीं आ जाएगा ना, और जो चीज़ नहीं आ रही है उसको स्किप करो, आगे देखो। एंड फॉर्मेट वाइज सैम्पल पेपर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेट पता चल जाएगा कैसा कैसा आना है, उसी हिसाब से अपना लेवल मैच करो कि अभी आप किस लेवल पर हो एंड और कितना एनहेंस कर सकते हो अपने लेवल के लिए, ओके। और भी कुछ हेल्प चाहिए हो, कोई सजेशन चाहिए हो, कमेंट करो, आपका भाई बेटा है, हर एक चीज़ का सजेशन आपको मिलेगा, ओके। हर एक चीज़ की हेल्प मिलेगी, जो भी सजेशन, जो भी हेल्प, जो भी कुछ चाहिए हो कमेंट में लिखते जाओ, मुझसे जितना होगा मैं उतना हेल्प करूँगा, ओके।
थैंक यू, शेयर करो सभी दोस्तों के साथ, ओके, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया और जिनके लिए ये फायदे के लिए हो सकता है, राइट? थैंक यू गाइस, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।